नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षवर्धन आज आपके सामने पेश कर रहा हूँ फार्म ट्रैक का 45 पोटैटो स्पेशल ट्रैक्टर। पोटैटो स्पेशल माने इसके अंदर आपको प्राप्त होता है फ्लेक्सी एक्सल, ओआईबी ब्रेक, क्यूआरसी कपलर के साथ ऑक्सिलरी लीवर और सबसे मुख्य 1800 केजी हैवी लिफ्ट कैपेसिटी। आइए दोस्तों इस ट्रैक्टर को बारीकी से जानने की कोशिश करेंगे। इसका इंजन आता है 3 सिलेंडर का फुली एवियल टेक्नोलॉजी वाला इंजन, जो शक्तिशाली भी है, लो मेंटेनेंस है और कम से कम डीजल की खपत। साथ में इसमें मिलता है इनलाइन माइक्रो बॉश का पंप। इसको मेंटेनेंस फ्री करने के लिए हम प्रदान करते हैं वाटर सेपरेटर और इंजन को ठंडा रखने के लिए कारो वाला कूलिंग सिस्टम, रिकवरी बोतल। बाहर से ही आप इसकी लेवल मेंटेन कर सकते हो। और आप सोच रहे होंगे ये काला डब्बा क्या है? ये सेपरेट ऑयल टैंक है पावर स्टीयरिंग के लिए। इसमें मिलता है आपको बैलेंस टाइप पावर स्टीयरिंग, मतलब दोनों ही तरफ से एक्चुएटिंग लिंकेजेस कम है। एक ही उंगली में खेत में ट्रैक्टर को आप काट सकते हो आसानी से। आगे से अगर आप देखना चाहोगे तो ये जो फ्रंट एक्सल सपोर्ट है ये पूरा कास्ट आयरन का है, हैवी ड्यूटी है। पीछे आप कितने बड़ा उपकरण भी लगाओ, आगे बैलेंस करने में ये बहुत मददगार रहता है। साथ में बहुत मुख्य चीज़ जो पोटैटो स्पेशल होने के नाते इस ट्रैक्टर में हमने प्रदान किया है, फ्लेक्सी एक्सल। ये दो बोल्ट आप खोल के इस फ्रंट एक्सल को आप बड़ा या छोटा आलू खेती के लिए ज़रूरत अनुसार आप इसको सेट कर सकते हो। साथ में आपको मिलता है हैलोजन हेडलैम्प के साथ एलईडी। टोटल 8 LED इसके चारों तरफ उपलब्ध है। ये मददगार होता है जब आप हाईवे पे जाते हो तो दूर की चीज़ें भी आसानी से दिख जाते हैं। इंजन की अगर मेंटेनेंस की बात करें या सर्विस अंतराल की, इसके अंदर पेश करते हैं सुपर फिल्ट्रेशन सिस्टम, जो सफ़ेद कलर के फिल्टर आते हैं। माने 500 घंटे अंतराल में ही आप इसके तेल और फिल्टर बदलोगे, तो सीज़न के बीच में रोक के सर्विस करने का जो नौबत था वो अभी नहीं आएगा। पूरा सीज़न ख़त्म हो जाएगा फिर जाके आप इस ट्रैक्टर की सर्विस आराम से करा सकते हैं। इसके अंदर आपको प्राप्त होता है आरामदायक डायफ्राम युक्त सिंगल क्लच, जो दबाने में बहुत मुलायम होता है ताकि आप लंबे समय तक ट्रैक्टर को आरामदायक चला सको। विकल्प में आपको सुपर मैक्स में ड्यूअल क्लच भी उपलब्ध है। साथ ही साथ इसमें जो गियरबॉक्स टेक्नोलॉजी हमने प्रदान किया है वो है फुली कॉन्स्टेंट मैश गियरबॉक्स। आगे जाने के लिए 8 गियर, पीछे जाने के लिए 2 गियर। ये फुली कॉन्स्टेंट मैश का फ़ायदा ये है, धीमी गति में जब ट्रैक्टर चल रहा है तो आसानी से आप गियर को बदल सकते हो और गियर बदलते टाइम आवाज़ भी नहीं आता है। इसका मतलब गियरबॉक्स लंबी उम्र तक मेंटेनेंस फ्री रहेगा। पीटीओ की अगर बात करें तो इस ट्रैक्टर के अंदर 540 चक्कर 1710 इंजन के चक्कर में आपको प्राप्त होते हैं। विकल्प में मल्टी स्पीड रिवर्स पीटीओ भी उपलब्ध है। इस ट्रैक्टर के अंदर सेफ्टी फीचर की अगर बात करें तो आपको ट्रांसपोर्ट लॉक उपलब्ध है। खेत से घर, घर से खेत, उपकरण ले जाते समय उसको लॉक कर सकते हो। साथ ही साथ इसके अंदर सेफ्टी न्यूट्रल स्विच भी उपलब्ध है। बच्चा अगर आके चाबी घुमा रहा है तो ट्रैक्टर स्टार्ट नहीं होगा जब तक आप हाई लो गियर न्यूट्रल नहीं डालोगे। प्लस फ्यूल टंकी में भी लॉक का सुविधा दिया है। इस ट्रैक्टर के अंदर पोटैटो स्मार्ट स्पेशल ट्रैक्टर होने के वजह से 3 हाइड्रोलिक लीवर प्राप्त होते हैं। फेंडर तरफ जो लीवर है काला वाला, इसको हम बोलते हैं पोजिशन कंट्रोल लीवर। इससे आप उपकरण जैसे बीज बोने वाला उपकरण या रोटोवेटर या लेवलर, जिसमें ADDC सेंसिंग की ज़रूरत नहीं है, वो चला सकते हो। जो ऑरेंज कलर का लीवर है केसरी रंग का, इस लीवर से आप प्राइमरी उपकरण जैसे MB प्लो, डिस्क प्लो, जो ज़मीन के भीतर जाके काम करते हैं, ADDC सेंसिंग की ज़रूरत है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। जो तीसरा लीवर है जो आप यहाँ देख सकते हो, इसको हम बोलते हैं ऑक्सिलरी लीवर। ये मददगार होता है जब आप टिपिंग ट्रॉली या हाइड्रोलिक से संबंधित कोई भी उपकरण आप चलाना चाहोगे QRC कपलर के साथ, तो इससे आसानी से आप चला सकते हो। हाँ, मुख्य बात, इन दोनों लीवर को आप साथ में मिक्स मोड में भी चला सकते हो या ब्लेंडिंग मोड जो बोलते हैं। स्पेशली जब आलू की खेती कर रहे हो, ज़मीन में नमी ज़्यादा है या रेतीला है, तो मिक्स मोड में चलाने से पूरी खेत में जो डेप्थ प्राप्त होगा वो एक जैसे होगा और उपज भी ज़्यादा मिलेगी। पीछे आपको प्राप्त होता है 13/6/28 का टायर,
आलू की खेती के लिए बहुत फायदेमंद होता है। बैकएंड की अगर बात करें तो इसके अंदर प्राप्त होता है सिंगल रिडक्शन हैवी ड्यूटी क्राउन पिनियन के साथ, और इसमें OIB डिस्क ब्रेक भी प्राप्त होते हैं। हाइड्रोलिक लिफ्ट कैपेसिटी की अगर बात करें आलू की खेती के लिए, स्पेशली इस ट्रैक्टर के अंदर 1800 kg लिफ्ट क्षमता दी गई है, ताकि आलू बोने वाला मशीन या आलू डिगर आसानी से आप चला सको। हाइड्रोलिक सेंसिंग की अगर बात करें तो इसके अंदर 2 सेंसिंग पॉइंट दिए गए हैं। टॉप लिंक अगर ऊपर के होल में आप लगाओगे तो नरम मिट्टी के लिए हो गया सॉफ्ट सॉइल, अगर आपने नीचे लगाया सेकंड पॉइंट सख्त मिट्टी के लिए, हार्ड मिट्टी के लिए, तो जैसे आपके यहाँ मिट्टी है उस मिट्टी के हिसाब से ये हाइड्रोलिक सेंस करके काम करता है। और पीछे प्राप्त होता है फुली फ्लैट बैकेंड, मतलब छोटी ट्रॉली, मीडियम ट्रॉली या बड़ी ट्रॉली या थ्रेशर भी लगाओ, गार्डन शाफ्ट भी साथ में लगाओ, दोनों काम साथ में करने के लिए पूरा फ्लैट बैकेंड प्राप्त होता है। जैसे मैंने आगे बताया था, ऑक्सिलरी लीवर के साथ आप टिपिंग ट्रॉली या हाइड्रोलिक युक्त कोई भी उपकरण चला सकते हो। जो हाइड्रोलिक पाइप आती है वो यहाँ पर QRC कपलर में आप आसानी से जोड़ के काम कर सकते हो। वारंटी की अगर बात करें, पूरा 5 साल वारंटी ट्रैक्टर पे प्राप्त होता है, ये बोलते ही नहीं लिख के भी हम देते हैं। आखिर में एक खास चीज़ आपको बताना चाहूँगा, केयर डिवाइस 24/7, माने आप कभी भी कंपनी के साथ एक बटन दबा के कनेक्ट कर सकते हो इस डिवाइस से। यही नहीं, आप ट्रैक्टर की सर्विस बुकिंग भी कर सकते हो, आप कोई भी छोटी मोटी समस्या है वो फ़ोन के द्वारा भी आसानी से सुलझा सकते हो। तो दोस्तों, आइए इस ट्रैक्टर को खुद चलाइए, इस सारे फीचर को खुद आजमाइए। धन्यवाद।